Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, निमसेट के एग्जाम में एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, दैट इज द इंग्लिश। इंग्लिश पार्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कितना पढ़े और कैसे पढ़े। तो इस बात के सारे हल और सारे जवाब इस पार्ट में मिल जाएंगे। तो बैटल ऑफ निमसेट का ये अंक जो 70 अंक है ये जरूर देखें और आपको ये जरूर पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे इंग्लिश का पार्ट किया जाए। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत सारे लोग ये पूछा करते हैं कि इंग्लिश का सेक्शन करना है कि नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का सेक्शन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं तैयार करेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम पर ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ आप क्वेश्चंस कर देते हैं और वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इंग्लिश का कुछ ना कुछ पार्ट आप देते रहिए, हाफ एन आवर पर डे आप पढ़ते रहें। और आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं तो पूरा बुक्स नहीं पढ़ना है। आप इस बैटल ऑफ निमसेट के अंक को देखिए फिलना ब्लैंक से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। आप एग्जैक्ट इसी तरीके के क्वेश्चंस तैयार करिए। आपके पास चार पार्ट है, फिलिंदा ब्लैंक्स, वोकैब, पैसेज रीडिंग और ए डिटेक्शन। तो ये चार पार्ट से क्वेश्चन ही बनते। देखिए फिलिंदा ब्लैंक से आप देख सकते हैं 2014 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन यहाँ पे साथ आ गए। तो यानी कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंसी में आते हैं। तो आज शुरू करते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स का, निमसेट में आए क्वेश्चन का 2014 से लेकर 2015। ये बैटल ऑफ निमसेट में आए हुए क्वेश्चन का ही पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये निमसेट के क्वेश्चन है। जी हाँ, ये सारे निमसेट के क्वेश्चन हैं। तो एक जगह आप और एक साथ एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलते हैं। तो बैटल ऑफ निमसेट के सारे 70 अंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारे अंक आप स्नैपशॉट जरूर ले लें और मिलान करें कि ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। तो देखते हैं, मैनी फ्लावर्स फिलिंदा ब्लैंक्स है, इज बॉर्न टू ब्लेस अनसीन। तो एंड द एंड नन, जो भी सुटेबल आंसर है आप यहाँ पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं। तो आपको आंसर्स कमेंट भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर टू ले रहे हैं, आई प्रपोज दैट द मीटिंग फिलिंदा ब्लैंक्स पुट ऑफ टिल संडे नेक्स्ट, विल बी, इज टू बी, शुड बी एंड बी। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे और इन सुटेबल आंसर्स को आप अपने आप खुद तो प्रयास करें। और जब भी आप वीडियो देखा करें तो हमेशा एक चीज जरूर करें कि पेन और कॉपी अपने पास रखें और बीच बीच में आपको लगता है कि ट्राई करना है तो आप पॉज भी ले सकते हैं। ये रिलायबिलिटी आपके पास होती है तो क्लास की ही तरह आप उसी माइंड सेट से ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द पुलिस मैन टोल्ड मी टू कीप फिलिंग द ब्लैंक्स द लेफ्ट, तो फॉर ऑफ टू एंड बाय, जो भी सुटेबल। आई थिंक ये प्रोपोजिशन है, इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज है नहीं क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है शायद प्रोपोजिशन ही बोलते हैं। अगर न है तो एग्जैक्टली आप कमेंट्स करेंगे, बताएं प्रोपोजिशन है या इंग्लिश का कौन सा पार्ट है। आई इनक्लोज, अब यहाँ पे पी क्यू आर एस, तो आपको बताना किस ऑर्डर से ये अरेंज किया जाएगा। तो पी है एंड द पोस्टेज, अ पोस्टल ऑर्डर, द प्राइस ऑफ बुक एंड विच विल कवर। तो ऑप्शन में है आर पी एस क्यू, ये ऑर्डर सही होगा, क्यू एस पी आर होगा, क्यू एस आर पी होगा और क्यू पी एस आर होगा। अगर निमसेट के आप क्वेश्चंस देखें, 20 क्वेश्चंस आते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन होता है इंग्लिश का, मैथ्स का 12 नंबर का वेटेज होता है। तो यानी कि इंग्लिश को उन्होंने लास्ट में रखा है, वेटेज के अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया है। बट अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो किसी भी अच्छे एग्जाम, जैसे आप बैंक के एग्जाम लेंगे या किसी भी एग्जाम में लेंगे, तो अच्छे क्वेश्चंस यहाँ रखते हैं, मतलब बिल्कुल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ रखे जाते हैं। तो आप आगे देख सकते हैं, क्विनाइन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट, ऑप्शन है फिलिंदा ब्लैंक्स मलेरिया, तो टू होगा, अगेंस्ट होगा, फॉर होगा, नन होगा। तो यहाँ पर सुटेबल आंसर आपको फिलिंदा ब्लैंक्स के थ्रू करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 2015 में आए। देखिए 2015 में 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यानी कि फिलिंदा ब्लैंक्स के कम से कम 4-5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलते हैं, हर एक एग्जाम में मिलते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, अगर 4 क्वेश्चन आप ट्राई कर पाए तो 16 नंबर आपके बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी वेटेज, कहीं ना कहीं मार्क्स, कहीं ना कहीं डिनाई आप नहीं कर सकते। हाफ एन आवर आपको देना है, हाफ एन आवर आप पढ़िए। लेफ्ट टू लॉन्ग इज द सन द लीव्स हैड ऑल फिल इन द ब्लैंक्स श्रग्ड ऑफ शेयर्ड ऑफ श्रिविल्ड ऑफ अप है एंड स्किप्ड ऑफ, जो भी हो आगे आप सुटेबल आंसर्स को करें। और 7th है, अ कॉस्ट पोटैटो इज अ पर्सन हु फिल इन द ब्लैंक्स है स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविजन, स्पेंड मनी ऑफ पोटैटोज लाइक पोटैटोज और इज लेजी बट इंटेलिजेंस। मुझे लगता है कि बी और सी ऑप्शन होगा नहीं, ए भी नहीं होगा और डी होना चाहिए, मेरी जो मैथ कहती है। बाकी आपका इंग्लिश का नॉलेज क्या कहता है तो आप इसको कमेंट्स करें। बैटल ऑफ निमसेट का उद्देश्य यही है कि हम लोग टेक्निकल हैं और हम लोगों का मैथ्स का पार्ट है, बट निमसेट में इंग्लिश का भी एक पार्ट रख दिया गया है। अब उस पार्ट को क्या डिनाई करना है, उस पार्ट को नहीं करना है, बिल्कुल वो 20 क्वेश्चन छोड़ देने हैं
आपको पता ही होगा कि मैथ्स के 12 नंबर के क्वेश्चंस होता है, कंप्यूटर 8 नंबर का, लॉजिकल एबिलिटी 6 नंबर का और इंग्लिश 4 नंबर का है, और वो 80 नंबर का बनता है, तो यानी कंप्यूटर 80 नंबर का बनता है और इंग्लिश भी 80 नंबर की बनती है। तो कंप्यूटर और इंग्लिश को वेटेज को बराबर रखा गया है और टोटल भी बराबर रखा गया। तो बैटन ऑफ लिमसेट ये आपको ग्लिम्स देती है कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास है, आस मारुला ऐप आपके पास है, वेबसाइट्स और आपके पास है ये चैनल, उसके साथ साथ एक अनअकेडमी लर्निंग ऐप है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप मेरे नाम से सर्च करिए वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज या आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, आप प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है, तो मावला क्लासेस के टच में रहें, आप पढ़ सकते हैं, मगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आप यहाँ पर उतना ही टाइम दें जितना इंपॉर्टेंट है। आगे के पार्ट में बैटल ऑफ लिमसेट के पार्ट में मिलेंगे, आप इसको एक बार स्नैपशॉट जरूर ले लें और अपनी बुक से इंग्लिश के अपने कंटेंट से जरूर मिलान खाएं। आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना जिस टाइम क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्वेश्चन देखेगा रिपीट बहुत होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आगे मिलेंगे, शुक्रिया।